स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ मान सिंह जी सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। ये सस्ता हनी सिंह कौन है? ये ज्ञान सिंह है, मेरा भतीजा। हाँ अच्छा, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। क्या बेटा जी, पहले कभी पेंट किया है? सर, 2 साल से कर ही रहा था अपने मामा के साथ ऐसे। अभी इधर आ गया तो हम सिखाएंगे। कैसे? दीवारों को निखार दूंगा, डोर्स को चमका दूंगा, एक एक करके मैं ये सारा घर सजा दूंगा। ज्ञान सिंह जाइए सजाइए। अरे ज्ञान सिंह, अभी जो तूने किया वो 2 रुपए की और कर। लाओ पहले 2 रुपए दो। तूने सस्ता हनी सिंह है। ज्ञानू। हाँ चाचा। क्या खूब लगते हो, बड़े पेंटर दिखते हो। मैं हूँ पेंटर कलाकार, मुझ में पेंट का भूत सवार, पेंटिंग है मेरी मंजिल और यह है मेरा द्वार। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं चाचा, सब ठीक हो जाएगा, ये पेन सब ठीक। ओ ज्ञान, वो एक बात बता, ये जो तू अपने मामा से नए नए तौर तरीके सीख गया है, मतलब क्या? मतलब हमें नहीं आता क्या? 10 साल हो गए इस धंधे में काम करते हुए। तभी तो आप 10 साल से काफी सेहतमंद भी नजर आ रहे हो। अरे सेहत का क्या है, वो तो आनी जानी चीज है, चलता है यार ये सब? नहीं चलता यार, नहीं चलता। ये पहनो और ये भी लगाओ, ऐसा नहीं होता। चल क्या चल रहा है? खुश हुआ हाँ भाई ज्ञानू, मेरा तो हो गया, तू खत्म कर, मैं जब तक लकड़ी के लिए पॉलिश बना लूँ, ठीक है? चाचा बोल। सवाल पूछ। शकल ही ऐसी है, कोई दिक्कत? मतलब ये जो मिला रहे हो और ये जो बना रहे हो, मतलब क्या करना, क्या चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? अरे नहीं यार, लकड़ी पर लगाने के लिए पॉलिश बना रहा था। लकड़ी पे पॉलिश करते समय चाचा जी ये नहीं ये मास्क पहनते हैं। ये पकड़। ज्ञान, इतना ज्ञान कैसे? मामे से। दे तू एक काम कर, तू जा सीढ़ी लेकर आ, आज तेरा चाचा वो बताएगा ना जो तेरे मामा ने नहीं बताया। जा लेकर आ सीढ़ी। हाँ हाँ पुत्र, आज तुझे मैं बताऊंगा कि सीढ़ियों पर कैसे काम किया जाता है। कौन? खुद गब्बर। देख सबसे पहले सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। सबसे पहले चढ़ते नहीं, सबसे पहले सीढ़ियां चेक करते हैं चाचा जी। अब बताओ मामा। ओबामा। हाँ ये भी ठीक है। दूसरी ये कि सीढ़ी पर चढ़ते वक्त कम से कम 2 जगह संपर्क होना चाहिए। 2 नहीं चाचा, 3 जगह। 3 जगह। हाँ 3 जगह। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है
वो हाथ ऐसे एक जगह सीढ़ी रख के ज्यादा कानून बनने की जरूरत नहीं, जहां तक हाथ आराम से पहुंचे वहीं तक काम करो। मामा या ओबामा खुद गब्बर। एक काम कर, तू मुझे बाहर मिल। मतलब चाचा आपको बता रहा था। नहीं नहीं, तुम मुझे बाहर मिल। चाचा अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। घबराहट और सावधानी में जमीन और आसमान का अंतर है चाचा। और क्या अंग्रेजों के जमाने के जेलर जेलर करते रहते हो? अंग्रेज कब के चले गए यहाँ से? अरे वो तो आखिरी बॉल पे आमिर खान ने छक्का मार दिया था, नहीं तो अभी तक तो। आप ठीक कह रहे हो चाचा, ये हार्नेस पहन लो। अरे रखो ये सब, हम इस्तेमाल नहीं कर। हार्नेस पहन लो। और हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है पिछले 10 सालों में, तुमको पता है। तुझे पता है जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या? रिस्क नहीं लेना। उसी बात का तो डर है चाचा, कहीं रिस्क लेते लेते खिसक ना जाना। ध्यान दो जरा। अरे जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती है ज्ञानू, तुझे मालूम है हमने जिंदगी में क्या क्या देखा है? ज्ञानू अंग्रेजों के जमाने के जेलर उतने घबराहट, तू गिर जाता ना तो ही अच्छा होता। मैं गिर जाता तो आपका क्या होता चाचा? एक काम कर, जल्दी से खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेंटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। चाचा हाँ, हाथ धो लेना। अच्छा। और इस बार हार्नेस जरूर पहन लेना चाचा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चाचा कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। मतलब नए तरीकों को अपनाने के लिए पुराने तरीकों से निकलना बहुत जरूरी है चाचा।